छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुड्डे जैसे क्या बेच रहा है यार ये? भाई साहब बहुत तगड़ा मार्केट है, अंदर तो भीड़ भक्कड़ है। बस जी, सरोजिनी नगर के अंदर एंटर हो गए हैं और चल के देखते हैं बस आज सरोजिनी नगर के अंदर क्या है अपने लिए। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे, भीड़ भक्कड़ देखने से पता लग रहा है कि हाँ जी मार्केट जो है वो कैसा होने वाला है। साथ में सबसे पहले जो नीचे थम का जो साइन है ना, उसको जाके है ना प्रेस कर दीजिए, व्लॉग को लाइक कर दीजिए। और ये सबसे पहले लड़कियों के स्टॉक से स्टार्टिंग हो रही है, 100 रुपये, 150 रुपये, ये कुछ है ना पजामास टाइप की है ना चीज़ें हैं। और यहीं से आगे अपन चल रहे हैं, ये सारे 100 के ही हैं, ये नीचे वाले सारे। ये लड़कों की टी शर्ट्स वगैरह, लड़कियों के टॉपर अब स्टार्ट हो गए हैं। देखो धीरे धीरे स्टॉक जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। और अब सामने की तरफ जो है ना जीन्स से लटकी हुई है सारी की सारी, जिसमें क्या है लड़कियों लड़कों की सबकी जीन्स वगैरह हैं। लेफ्ट में क्या है डेकोरेशन वगैरह। अब एक शॉप के अंदर मैं आया हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को कि हाँ भाई लड़कियों की क्या क्या आइटम है और क्या क्या रेट है। एक 2-5 सेकंड का मैंने आपको थोड़ा ग्लिम्प दिया। शुरुआत किस प्राइस से है तेरे पास में? शुरुआत की कितने रेंज से शुरुआत है? ये 30 का है, वो सब 100 का है। और इस मार्केट के अंदर आपका जो डेली यूज़ का जो सामान है ना, कपड़े लत्ते से लेकर के मतलब पहनने उड़ने की तो चीज़ें हो ही गई, साथ में डेकोरेशन की, साथ में गिफ्ट वगैरह जो भी आपको देना लेना होता है ना घर परिवार में, अपन लेते देते हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें हो गई, ठीक है लेने देना जिसको अपन बोलते हैं। बार्गेन ज़रूर से कर लीजिएगा। दूसरा, ट्राई करने के लिए आपको कहीं भी कोई भी जगह नहीं है यहाँ, तो अगर आपको हिसाब वगैरह दिमाग से ही सारा लगाना पड़ेगा। ये लग गया ब्रांडेड टी शर्ट का सेल, निकालो अंदर से कल सुबह इसके सारे मिलेंगे। बाकी अब मैं एक गली की तरफ मुड़ गया हूँ। इस गली के अंदर क्या है कि थोड़ी सी सगड़ी गली है, इसलिए क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मार्केट दिख रहा है। ये लेफ्ट में क्या है सारी जयपुरी कुर्तियाँ वगैरह, लेफ्ट में भी और राइट में भी सारी की सारी जयपुरी कुर्तियाँ। मान लो कोई जयपुर नहीं आ पा रहा हो तो राजस्थान की प्रिंट्स वगैरह सारी हैं। और अब मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, पहुँचते के साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यार मार्केट जो है इसके बाद तो और बहुत सारा बचा है। और अभी मैंने खाली इसका एक ही फेज़ देखा था, ऐसे इसके 3-4 फेज़ हैं। तो भाई साहब अपन तो वापस से लौट रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे बच्चों का, छोटे बच्चे जो 1 से 6 साल तक के, उनके 250 रुपये। जहाँ भी आपको 200, 250, 150 कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप सीधे से जा कर के अगर आपने 4-5 आइटम लिए ना, 4-5 पीस किसी के भी, तो आप बढ़िया बार्गेन कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जूते की दुकान, चप्पलों की दुकान में, फुटवेयर में लूट मची हुई है भैया। बढ़िया भीड़ थी इसकी दुकान में, मैंने भी जाकर के यहाँ से कुछ जूते वूते देखे थे। नहीं भाई थैंक यू। बाकी लड़कियों के लिए तो यहाँ पे क्या है वैरायटी की बिल्कुल कमी है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। अब तो ये लड़कों की शर्ट्स वगैरह आपको सामने दिख रही थी, लेडीज फुटवेयर से लेकर के लेडीज के टॉपर्स वगैरह, प्लाजो, जीन्स, लड़कियों में बड़ी वैरायटी है सच में। और क्या है साथ में ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है ना, वो भी लड़कियों की यहाँ पे बहुत अच्छी रेट की और बढ़िया सुंदर सुंदर, अगर किसी को छांटना आता है ना बढ़िया मिल जाएंगी सच में। वो इंसान जिसको छांटना आता है वो बढ़िया स्टॉक उठा करके लाता है। मेरी खुद की कजिन सिस्टर्स वगैरह जब भी सरोजनी जाते हैं ना यार सच में, वो लोग जो स्टॉक खरीद के लाते हैं ना, मैं तो उतना ना तो बार्गेन कर सकता ना छांट सकता। अभी आप लड़कियों के पर्सेस देख लीजिए, क्लचेस, ये आर्टिफिशियल आपके जो भी चूड़ी वूड़ी लाख की चूड़ियाँ और ये सब आ गए। अब मैं आपको लड़कियों के है ना क्लचेस पर्सेस वगैरह दिखाता हूँ यार एक बार। अपन जो है पहले देखो यहाँ पे मेकअप वगैरह का सामान भी बिक रहा है बढ़िया एकदम अच्छे से, तो मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी की सारी चीज़ें हैं। अब क्लचेस के सेक्शन की तरफ चलते हैं। आपको ये थोड़ा सा आपके क्या है घर की साजो सज्जा का सामान आ गया, दूसरा किचन यूटेंसिल्स, यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं अपनी, आगे आपको मैं अब दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि जो घर के मतलब अपने जो सामान होते हैं ना किचन वगैरह के, कटलरी वगैरह जिसको बोलते हैं, मतलब ये तो वुडन में हो गए, और साथ में इसके है ना जो भी आपके सजाने की चीज़ें हो गई वो हो गई। ये देखो 200 रुपये, 100 रुपये, सारे के सारे रेटे क्या हैं इसके आसपास आपको मिल जाएंगी चीज़ें। इसमें भी आप अगर पीसेस बढ़ाते हो ना तो बढ़िया बार्गेन कर सकते हो आप सच में। बार्गेन आपकी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ये देखो सारे के सारे नाइट सूट्स वगैरह बढ़िया थे यार सच में। ये सारा आपकी किचन की जो क्रॉकरी वगैरह हो गई ना चीज़ें, बढ़िया एक से एक आप छांट लो बस ढंग से। अब क्या है ये पर्सेस वो हैं जो कि यार 300, 350 में लिखे हुए, पर आप बार्गेन करके 250, 300 में ले सकते हो, लेकिन अगर 4-5 पीस लेते हो ना बढ़िया रेट लगा देंगे। अब मैं आपको वो क्वालिटी दिखाता हूँ, देखो जो आप 1,500, 2,000, 3,000 के बाहर से लेते हो ना, ये आपने अगर 3-4 पीस यहाँ से उठा लिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 300, 350 में आ जाएंगे, सच बोल रहा हूँ मैं, आ सकते हैं। ये देखो लड़कियों के है ना कुर्ते वगैरह समेट के रखे हुए हैं, तो लड़कियों की तो इतनी वैरायटी पे वैरायटी है ना, सैंडल्स वगैरह, फुटवेयर देखो लड़कियों की, बेलीज वेलीज सब कुछ सारी, मतलब यार थोक में भरा पड़ा है लड़कियों के लिए सच में पूरा का पूरा मार्केट। लड़कों के लिए भी है, लेकिन लड़के साथ में आएंगे
तो कम ही शॉपिंग करके जाएंगे, ज़्यादातर लड़कियाँ ही शॉपिंग कर पाएंगी। लड़कों के लिए तो यार वैसे भी जैसा मैंने कहा कि इतना वैरायटी देखो होती भी नहीं है। तो दूर तक ट्रैफिक जाम है, दूर तक बढ़िया स्वाद आ गया जी, बढ़िया एकदम। देखो दूर दूर तक ट्रैफिक जाम है आगे तक।